तो इन्हीं सात दिनों में उनका कल्याण भी हो सकता है। व्यास जी महाराज ने जो भागवत महापुराण लिखा है ये सात दिनों का ही क्यों है? नारद मुनि ने कहा था कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे जीवों का कल्याण हो, तो कल्याण के लिए ये ग्रंथ लिखा गया, ये महापुराण लिखा गया। तो जब जीव का कल्याण करना है, इस भागवत का उद्देश्य ये है कि जो इसे सुने उसका कल्याण हो जाए, तो इसीलिए कि इन सात दिनों में ही भागवत सात दिनों की इसीलिए बनाई है, इसीलिए इसकी रचना की ताकि जीव सात दिनों में इसे सुन करके इसके बताए हुए मार्ग पे चल करके अपना कल्याण कर सके। और ये राजा परीक्षित ने किया है, राजा परीक्षित ने सात दिनों में अपना कल्याण किया है। एक बार और अभी बाबा जी आए थे तो बाबा जी बोल रहे थे कि ये कथा है वो जो खाने पीने वाले हैं लोग, क्या उनका भी कल्याण हो जाएगा ये सुनने से? तो हमने कल कथा सुनी थी धुंधुकारी की, परसों सुनी थी पहले दिन मातमे के दिन। धुंधुकारी कम खाता पीता था, जितनी बुराइयां थी, जितनी संसार में बुराइयां है वो सब धुंधुकारी में थी, पर फिर भी भागवत सुनने से धुंधुकारी का भी कल्याण हुआ। तो बुराइयां चाहे जितनी भी हो, जिस दिन उसे ये पता चल जाए कि मेरे जीवन में मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, पर अब मैं अपना जीवन सुधारना चाहता हूं, और वो पूर्ण हृदय से, मन से, निर्मल मन से, भाव से आकर के अगर कथा सुने, तो कितने भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, उसका भी कल्याण होना है। जो भागवत की शरण में आ गया है, जो कन्हैया की शरण में आ गया है, भगवान उसके सारे अपराध, सारे पाप है वो क्षमा कर देंगे। तो शिव जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, इसके बाद वेदव्यास जी महाराज ने स्वयंभू मनु की जो कन्याएं हैं उनके वंश का वर्णन किया। तो स्वयंभू मनु के तीन पुत्रियां थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ, और देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? कल ही हमने ये चरित्र सुना था। हाँ, कर्दम ऋषि के साथ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि आकृति और रुचि प्रजापत के घर स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उड़ा हुआ। परसूति और प्रजापति दक्ष के घर सोलह कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया और 2 कन्याओं का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, और 1 कन्या जिसका नाम है सती, सती का विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ। तीसरी कन्या जिसका नाम है देवहूति, देवहूति के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ, कर्दम ऋषि के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके भी नाम बताए हैं, पहली कन्या जिसका नाम है कला, कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, कश्यप ऋषि और पूर्णिमा। दूसरी कन्या जिसका नाम है अनुसुईया, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। शिव जी महाराज कहते हैं कि इनके कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, तो भगवान की तपस्या की,
अनुसुईया माता और अत्री ऋषि दोनों ठाकुर जी तपस्या से प्रसन्न हुए। अब मैया की तपस्या से तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव त्रिदेव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। मैया से पूछा कि माता आपकी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हैं, आप मांगिए आपकी क्या इच्छा है। तो अनुसुईया मैया कह रही है कि भगवान मेरे घर कोई शमशान नहीं है, पर मैं आपसे तभी मांगूंगी, आप मुझे वचन दीजिए। पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है आप मांगिए। बोले मैं चाहती हूँ कि मेरे घर आप तीनों पुत्र रूप में आओ। अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो आप तीनों मेरे घर पुत्र बन करके आओ, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों देव अनुसुईया माता के पुत्र बन करके उनके घर आए। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, विष्णु भगवान दत्तात्रेय भगवान के रूप में और शंकर भगवान दुर्वासा मुनि के रूप में आए। अब नारायण यहाँ पे सोनक जी महाराज पूछ रहे हैं सूत जी से कि महाराज एक बात बताइए, ये जो अनुसुईया माता है इनका एक चरित्र और है, बड़ा सुंदर चरित्र है। बोले वो चरित्र भी हमें सुनाई है। बोले कौन सा चरित्र है? तो कहा कि अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव आए थे एक बार, त्रिदेव परीक्षण जिस चरित्र का नाम है। बोले वो चरित्र बड़ा ही सुंदर है, आप हमें वो चरित्र सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है कि नारद मुनि है वो भ्रमण करते करते अत्रि मुनि के आश्रम में आए, अनुसुईया माता के आश्रम में आए, द्वार पे आए तो देखा कि अनुसुईया माता है वो कुटिया में अपने पति की सेवा कर रही है, अत्रि ऋषि सो रहे थे और मैया उनके चरण दबा रहे थे, सेवा में लगी हुई थी। नारद मुनि जाकर के द्वार पर बैठ गए। अब मैया ने तो देखा नहीं क्योंकि मैया की तो द्वार की तरफ पीठ की हुई थी और अत्रि ऋषि है वो नींद में सो रहे थे। तो नारद मुनि जाकर के बैठ गए वहां पर। तो नारद मुनि देख रहे हैं कि मैया चरण दबाते दबाते मैया ने देखा कि अत्रि मुनि के चरण में एक कांटा लगा हुआ है। तो मैया विचार कर रही है कि इस कांटे कैसे निकालूं, कहीं ये कांटा निकालते समय मेरे पति की निद्रा है वो टूट ना जाए। तो अनुसुईया माता ने उस कांटे को अपने मुख से निकाला। अब जो ही कांटा निकाला तो अत्रि मुनि की नींद खुल गई, वो उठे। जो ही वो उठ करके बैठे तो सामने द्वार पर नारद मुनि बैठे थे, वो दिख गए। नारद मुनि दिखाई दे तो अत्रि मुनि खड़े हुए वहां से। अनुसुईया माता भी उठी, जाकर के नारद मुनि का स्वागत किया, उनसे प्रणाम किया, भीतर लेकर के आई, आसन पे बिठाया, जलपान करवाया, नारद मुनि की सेवा की। अब नारद मुनि वहां से ऋषि और माता अनुसुईया से आज्ञा लेकर के सबसे पहले वैकुंठ धाम आए माता लक्ष्मी के पास। वहां पे गए तो मैया विष्णु भगवान का चरण दबा रही थी, सेवा में लगी हुई थी। नारद जी को देखा तो लक्ष्मी मैया वहां से नारद मुनि के पास आए। अब नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, भगवान से माता से प्रणाम किया, उसके बाद मैया से कह रहे हैं कि मैया आप हर समय भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, जब देखो तब आप सेवा करती रहती हो। नारद मुनि पहले लक्ष्मी मैया को चढ़ा रहे हैं, खूब प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। बोले आप हर समय पति सेवा में लगी रहती हो, सच्ची बताए मैया
बोले आपको देख करके आपके जो पति सतीत्व धर्म है, आप अपना जो सतीत्व धर्म का पालन करती है, आपको देख करके मुझे मेरी दृष्टि में आपके अलावा इन तीनों लोगों में कोई और सतीत्व धर्म पे अधिक